स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर चैनल मोक्स में। चैप्टर 28 और हमारा अभी सीएसएस की कोडिंग का जो वीडियोस चल रही है, हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा कि इनलाइन सीएसएस हमने हर एक टैग के अंदर, हर एक लाइन के अंदर हमने अप्लाई किया। अभी हम इंटरनल सीएसएस की बात आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो इंटरनल सीएसएस हमारे को हर एक लाइन के अंदर अप्लाई ना करके हम इसको एक ही पेज के अंदर, सपोज आपके पास में एक या दो पेज की वेबसाइट है तो आपने यहाँ पर हर एक के यहाँ पर सिलेक्टर को यहाँ पर लेना है अपने हेड के अंदर और यहाँ पर आपने वो कोडिंग करनी है। तो जो भी कोडिंग हम करेंगे हेड टैग के अंदर हम करेंगे कोडिंग, क्योंकि जो बॉडी के अंदर जो भी काम होगा वो हेड टैग के अंदर से उसका सबसे पहले यहाँ पर ये रन होता है। तो हेड टैग सबसे पहले रन होता है, इसलिए यहाँ पर जो भी अप्लाई होगा वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। तो इनलाइन सीएसएस के अंदर हमने हर एक लाइन के अंदर टैग लिखा था, हम यहाँ पर उसकी जो स्टाइल स्लैश स्टाइल के नाम से एक टैग लिखेंगे जो कि सीएसएस का एक बेसिक टैग है, और उसके बीच में हम जो भी कोडिंग करेंगे वो पूरे पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखते हम स्टाइल स्लैश स्टाइल, ये टैग है हमारा सीएसएस का। तो इसके बीच में हम जो लिखेंगे वो पूरे पेज के ऊपर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर ये जो टाइप वगैरह हम इसको निकाल देते हैं और स्टाइल स्लैश स्टाइल के बीच में हमने पूरी अपनी कोडिंग जो है वो करनी है। ओके, तो हमारे को अभी यहाँ पर लिखना है, सपोज के मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है, सभी जितने भी पैराग्राफ टैग है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, उसका जो टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा ये जो टैग है, इस टैग का सिलेक्टर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी कि ये जो पी है लिखा हुआ पैराग्राफ का, तो पी यहाँ पर हमारे को लिखना पड़ेगा। ये पी क्या होता है, ये होता है सिलेक्टर। उसके बाद में हमारे को ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, ये वाला ब्रैकेट, और इसके अंदर हमारे को सारी जो कोडिंग है वो करनी है। तो यहाँ पर हम जो भी कोडिंग लिखेंगे वो सारी पैराग्राफ टैग को अप्लाई होगी, यानी कि जितने भी पैराग्राफ टैग इस पूरे पेज के अंदर है उसके अंदर वो हमारी स्टाइल वो अप्लाई हो जाएगी, यानी कि सीएसएस वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनकी टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे। तो हम लिखते हैं कलर प्रॉपर्टी, और कलर प्रॉपर्टी के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे कि सबका कलर रेड हो जाए, तो सबका कलर यहाँ पर रेड हो जाएगा। अभी ध्यान रहे बात, इसके बाद में आपने यहाँ पर सेमी कॉलम पक्का लगाना है। सेमी कॉलम का मतलब होता है कि यहाँ पर आपने जो चीज़ है वो फिनिश कर दी, उसके बाद में कुछ और आएगा तो इसके बाद आएगा, तो यहाँ पर आपने सेमी कॉलम पक्का लगाना है। उसके बाद अगर आप चाहे तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर ये लिखा मैंने, और इसका भी आपने वैल्यू देनी है, ये आपकी प्रॉपर्टी है और इसकी वैल्यू आपने देनी है यहाँ पर येलो, फिर आपने सेमी कॉलम यहाँ पर पक्का लगाना है। ये हो गया आपका इंटरनल सीएसएस का कोड। तो अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं, इसको हम रन करके देखते हैं। तो देख सकते हैं आप, सभी जितने भी टेक्स्ट है वो सब रेड हो चुके हैं और इसके पीछे का बैकग्राउंड जो है वो येलो हो चुका है। अभी आप इसके अंदर इनलाइन सीएसएस भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो हुआ इंटरनल सीएसएस, यानी इंटरनल स्टाइल शीट हुई है, तो इसके अंदर आप इनलाइन सीएसएस भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपने सबसे पहले सबका यहाँ पर अप्लाई कर दिया, अभी आप चाहते हो कि किसी एक पैराग्राफ टैग का कलर थोड़ा डिफरेंट हो, तो उसके लिए आपने यहाँ पर इनलाइन सीएसएस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टाइल, फिर आपने डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखना है कलर, तो कलर मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखी और उसका मैं यहाँ पर लिखूँगा ग्रीन। ओके, ये लिखा है मैंने ग्रीन। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा ये जो ईच रूल हैज टू पार्ट सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन, इस सेंटेंस का सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। तो इसका हम यहाँ पर आउटपुट
देखते हैं। तो देख सकते हैं आप, इसका बैकग्राउंड कलर तो हमने चेंज नहीं किया, इसका सिर्फ हमने टेक्स्ट का कलर चेंज किया है। आप चाहे तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर आपने सेमी कॉलम के बाद में लिखना है बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर उसका वैल्यू आपने जो भी चाहते हो आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाइट पिंक। तो जिससे क्या होगा, अभी इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप एक ही वेब पेज के अंदर, एक ही HTML शीट के अंदर आप इनलाइन CSS प्लस इंटरनल CSS दोनों को अप्लाई करके एक अपनी वेब पेज बना सकते हो। तो ये था दोस्तों आज का चैप्टर। इसके अंदर हमने इंटरनल CSS के बारे में सीखा। तो इंटरनल CSS जो है वो हेड टैग के अंदर अप्लाई होता है। और यहाँ पर जो भी सिलेक्टर हम अगर चाहे तो यहाँ पर बॉडी है, बॉडी का भी हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ इनलाइन CSS हो जाए, लेकिन यहाँ पर आपने यूज़ करना है इंटरनल CSS। तो आपने यहाँ पर फिर क्या लिखना है, बॉडी लिखना है। मैं यहाँ पर एंटर मार्क लिखता हूँ ताकि एक लाइन में आ जाए बॉडी। ये लिखा मैंने बॉडी, उसके बाद में मैंने ओपन ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट और उसके बीच में मैं अपना एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, प्रॉपर्टी, और उसकी वैल्यू दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर का यहाँ पर मैंने लिखा, तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है पूरा वो चेंज हो जाए। तो मैं चाहूँगा पूरा जो बैकग्राउंड कलर है वो बिल्कुल ही यहाँ पर ब्लैक हो जाए। तो अभी आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में हम इसको यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। देखिए पूरा का पूरा इसका बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो चुका है। तो इस तरीके से आप कोई भी इंटरनल CSS का जो कोड है वो आपने हेड टैग के अंदर लिखना है, जिससे पूरा आपके जितने भी कोड है उसके यहाँ पर सिलेक्टर लिखने के बाद में ये कोड लिखेंगे तो आपका ये पूरे पेज के अंदर ये प्रॉपर्टी जो आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। आने वाले अगले वीडियो के अंदर हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट यानी कि एक्सटर्नल CSS के बारे में देखेंगे। तो तब तक के दोस्तों टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।